दोस्तों, पिछले दिनों बकरियां ज़्यादातर जो बारिश का मौसम था इस वजह से ग्रेजिंग पे गई, और इसी दौरान बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों की तरफ से आ रही है कि थनों पर छोटे मोटे घाव हो जा रहे हैं बकरियों के, जो कि ठीक नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना देते हैं जिसे सभी को बता देते हैं कि अगर थनों पर घाव हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, थनों पर अगर घाव हो गए हैं तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन देना जरूरी है। हम कई प्रकार के ऑइंटमेंट, कई प्रकार के एंटीबायोटिक अपने पशु चिकित्सक से ललवा देते हैं, लगवा देते हैं, ऑइंटमेंट भी हम ले आते हैं, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। कारण क्या? कारण यह है कि अडर में अगर कहीं पर भी घाव हुआ है उस कंडीशन में ऐसा मल्टीविटामिन दें जो कि प्रॉपर सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति कर सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, उसके लिए एक पाउडर आता है जो सिर्फ जिंक का आता है, जिसे हम रूम जिन बोलते हैं। उस पाउडर का नाम क्या है? रूम जिन। भाई, ये जो पाउडर है रूम जिन, बहुत अच्छा रिजल्ट इस रूम जिन पाउडर का है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप इसे मात्र 5 ग्राम, ज़्यादा मत दीजिए, 5 ग्राम ओडी आप रूमजिन पाउडर को दीजिए जब भी थन पर घाव हो रखा है तब। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विटामिन्स वाला जो पाउडर है उस पाउडर का नाम है मिल्कोफीड। ये ऑलराउंडर पाउडर है मिल्कोफीड प्लेटिनम, और थन के घाव में तो ये वरदान रूपी काम करता है, क्योंकि इसमें वो सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो एक थन के घाव को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसे आपको देना है मात्र 15 ग्राम ओडी इंटू 10 दिन। तो 10 से इसे तो मिनरल मिक्सर है, कितना भी दीजिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसे आप 10 से 20 दिन दीजिए, इसे भी 10 से 20 दिन दे दीजिए। तो ये कंटिन्यूसली आप दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब साथ में आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ें मिनरल्स की आ गई, मल्टीविटामिन हो गया सारा, लेकिन साथ में आपको एक ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना है, और उस ऑइंटमेंट का नाम है किस स्किन। ये डॉग्स की है, लेकिन एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल बहुत अच्छा काम करती है। ऑइंटमेंट किस स्किन, ये 30 ग्राम की भी आती है और 50 ग्राम की भी आती है, तो 30 ग्राम की ऑइंटमेंट की स्किन लेकर के आ जाएं और जहाँ पर घाव रखा है वहाँ कंटिन्यूसली लगाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि वो बाहर ग्रेजिंग पर बकरी ना जा पाए, ताकि उसके घाव को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके।